look at the view guys, beautiful. और क्या चाहिए आपको, अब इससे बेटर आप क्या मानते हो। Hi guys, my name is Raji, welcome back to my channel again. So अभी हम हैं फ़िलहाल एशबर्न में और निकल रहे हैं शिकागो के लिए। हमने रेंटल करी है तो अभी बस वहीं जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। और देखो यहाँ पे ना जाने के पहले आपको 15-20 मिनट से कार स्टार्ट रखनी पड़ती है ताकि थोड़ी सी हीट आ जाए उसमें। सो बस अभी भाई साहब जी आ जाएं, उसके बाद हम निकलेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं एविस के लिए और बाय भाभी बाय। सो चलिए गाइस निकलते हैं और वहाँ से सबसे पहले कार उठाते हैं, उसके बाद निकलते हैं शिकागो। ऑल राइट, सो फाइनली वी रीच्ड एविस और ये सब आप देख रहे हो कार्स, ये सब रेंटल कार्स हैं। सो चले निकलते हैं, अपन कार लेते हैं। सो पहले कार देख लेने कि कौन सी मिल रही है हमको, उसके बाद क्योंकि लास्ट टाइम भी हमको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिले थे मिड साइज़ एसयूवी के। ऑल राइट, सो भाई साहब भी निकल रहे हैं अभी, बाय। और ये कार ली है अभी हमने, शेवी ट्रेल ब्लेज़र, मिड साइज़ एसयूवी है। Q3 से थोड़ी छोटी है बट ठीक है, पहुंच जाएंगे, इट्स गुड। हालांकि सेंटा फे के सामने तो काफ़ी छोटी है। सो चलेगा इस निकलते हैं, लेट्स गो। और इंटीरियर अच्छा है, नेविगेशन वगैरह सब है, हीटेड सीट्स है, सबसे अच्छी बात ये है, इट्स गुड। कहाँ लगता है? सो ये है गाइस इंटीरियर कार का। सो इट्स गुड, इतनी वो भी नहीं है, अच्छी कार है, मतलब बेसिक चीज़ें तो सब ही है इसमें। सो चलिए निकलते हैं, लेट्स गो। पोटोमैक, सो अभी हम पोटोमैक रिवर क्रॉस कर रहे हैं और इतना शानदार सा ब्रिज आया है। लेफ्ट बस यहाँ पे सिग्नल में देखना पड़ता है, राइट लेफ्ट। तो अभी 30-40 माइल्स हो चुके हैं हमको आए, और सामने बर्फ़ दिख रही है मुझे, अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सीनिक व्यू है, रोड्स एकदम शानदार। हम इस बार दूसरे रूट से जा रहे हैं, आई थिंक नो टोल रोड से जाएंगे हम। एक बार वो वाला रूट भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और कार ठीक है, इतनी वो नहीं, मतलब एज़ कम्पेयर टू ऑडी Q3 वो छोटी है ये, ठीक है, पर मैनेज कर लेंगे आज अपन। सो हमारे सामने भी एक ट्रक जा रहा है, इतना प्यारा व्यू है, ये आसपास ये बर्फ़ दिखेगी आपको। थोड़ा सा राइट लेफ्ट लेना पड़ेगा इससे, नहीं ऐसा। Look at the view guys, beautiful. इतना मतलब स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे कल, और कल सच में वेदर बहुत ख़राब था। नहीं, ऑडी की सब कार थोड़ी कॉम्पैक्ट ही है। बेहतरीन व्यू अभी देखने को मिल रहा है हमको, ये देखो साइड बाय साइड इतनी स्नो है, लुक एट दिस। वो तो अच्छा रोड्स पे हमको स्नो नहीं मिल रही है, ये तो लगे हाँ क्लीन किया होगा। चारों तरफ एक ऐसा लग रहा वाइट चादर फैली हुई है, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस गाइस। तो ऐसा वैसे क्रिसमस पे होना चाहिए था बट अभी हमको देखो आगे बर्फ़ ही बर्फ़ मिल रहा है। आई होप रोड पे नहीं हो, बस इतना ही हम चाह रहे हैं, क्योंकि आज हमारी गाड़ी भी एकदम छोटू सी है, ये भी गाड़ी नहीं है। सामने देखो धुंध ही धुंध है। बेहतरीन मौसम हो रहा है, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। रोड के दोनों साइड भी स्नो है। ऑल राइट, सो अब हम ले रहे हैं हमारा फर्स्ट ब्रेक। ऑलमोस्ट आ चुके हैं अभी पंकज के यहाँ से 100 miles, और अभी तक का एक्सपीरियंस ठीक है। बस बीच बीच में स्नो मिल रही है तो हम स्पीडिंग नहीं कर पा रहे। ये देखो यहाँ पर भी स्नो स्नो स्नो, हर जगह स्नो, दूर दूर तक स्नो। ये है ना वैसा है, ये जो कार है ना, इट्स जस्ट लाइक अ ब्रीज़ा, अपने ब्रीज़ा आती है ना, सेम वही साइज़ की है। पिघल रही है बर्फ़, देखो। तो अभी बर्गर किंग में आए, एक एक बर्गर खाते हैं, शुशु करते हैं, फिर निकलते हैं। ऑल राइट, सो अभी मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर ये बर्गर आ चुका है, वेज बर्गर। नाइस। अच्छा, घर से वैसे भी कुछ खा के निकले थे आज, चाय पी थी, कुकीज़ खाई थी। अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। और देखो कितनी स्नो है आज, चारों तरफ स्नो स्नो। तो चलिए निकलते हैं, लेट्स गो। सो अभी हम हैनकॉक से गुजर रहे हैं, एक मूवी भी आई थी, छोटा सा टाउन दिख रहा है। और अभी ये सब बर्फ़ हटाने का काम कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। देखो जैसा मूवीज़ में देखते थे ना, कारों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। सही में बहुत हार्ड वर्कर तो होते हैं यहाँ पे लोग। अच्छा टाउन है, छोटा सा, यहाँ कोई जान पहचान का है ही नहीं, तो हम रुकते हैं यहाँ पे, है ना। कोई अगर हैनकॉक से हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको इनवाइट करिए। मतलब कल सच में एक थंडर स्टॉर्म आया था, कितनी बर्फ है, मतलब 5-6 इंच बर्फ जमी हुई है। इस सिग्नल से राइट है। लुक एट द व्यू गाइस, ब्यूटीफुल। और क्या चाहिए आप, अब इससे बेटर आप क्या मांगते हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूरोप जाते हो, ग्रीनलैंड जाते हो, तो बहुत वहाँ के तो सीनिक होंगे ही, बट ये भी ऑसम है, ऑसम। ये देखो साइड बाय साइड ये पूरी स्नो है, जो आपको दिख रहा है एक पहाड़, इसमें पूरी स्नो जमी हुई है। ब्यूटीफुल। सो अभी हम कोई सा टाउन क्रॉस कर रहे हैं, कम्बरलैंड। वाओ तो अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, और कार की स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है हमारी, क्योंकि विजिबिलिटी का बहुत एक फ़र्क पड़ता है। और ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, बारिश नहीं है, स्नोफॉल है। काफ़ी स्लिपरी हो गई रोड, इसलिए थोड़ा सा देखभाल के चलानी पड़ रही कार। तो दूर दूर तक अभी आपको सिर्फ स्नो दिखेगी, ऊपर भी माउंटेन पे। Look at the view guys, अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था बीच में तो। अभी हम स्लो ही चल रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहे हैं। तो अब हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं एयरपोर्ट से 215 miles, और अब ये वेदर थोड़ा ठीक हुआ है, स्नोफॉल तो बंद हो गया है लेकिन बारिश आ चुकी है, तो ठीक है एज़ कम्पेयर टू स्नोफॉल बारिश हम झेल सकते हैं, बारिश काबिल बर्दाश्त है। तो फाइनली धूप दिखी अब हमको काफ़ी टाइम बाद, हल्की हल्की धूप, और अब अच्छा हो गया वेदर। ऐसे वेदर में मज़ा आता है चलाने को, है ना? बट वैसे वेदर में ना चलाए तो क्या चलाया? हाँ सही बात है। एक्सपीरियंस के लिए तो हमको स्नोफॉल में भी ड्राइव करना था तो वो भी कर लिया। सभी कार जा रही आगे, बड़ा अजीब शेप है इसका। ऑल राइट, सो अभी हम पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। सो अभी हम आए हैं फ्यूल मार्ट में और यहाँ पे फ्यूलिंग करवाई और एक पिज़्ज़ा लिया है और कॉफ़ी ले रहे हैं और मैं हॉट चॉकलेट ले रहा हूँ। ये भी वैसे ही छोटा सा सुपरमार्केट, खाने पीने की चीज़ें आपको लेना हो तो। सो ये लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर एक कॉफ़ी ली है और पिज़्ज़ा लिया है। अब निकलते हैं, हम सोच रहे हैं कि रास्ते में ही खा लेंगे, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। सो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, हंट ब्रदर्स क्या, हंट ब्रदर्स पिज़्ज़ा। अच्छी बात है कि वो और ये कॉफ़ी लिया। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा पिज़्ज़ा। और ये है हमारा पिज़्ज़ा, कितना बड़ा है, वाओ नाइस। इससे तो पूरा लग रहा है डिनर भी हो जाएगा आज। और टाइम हो रहा है अभी, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 3:45। तो बस 1 घंटे का उजाला है हमारे पास, उसके बाद अंधेरा। सो पिज़्ज़ा खाते हैं और अपनी राइड अभी कंटिन्यू करते हैं। अंधेरा होने वाला है, बस आधा 1 घंटे का उजाला और है। सो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा रूट और दिखाया जाए आपको। हम चल रहे अभी 80 माइल्स पर आवर, मतलब ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड लिमिट है 70 माइल्स। तो ठीक है, 5-10 ऊपर नीचे थोड़ा सा चलता है। ऑल राइट गाइस, सुबह टाइम हो रहा है 6 और अंधेरा हो चुका है। एज यू कैन सी रोड लाइट्स तो नहीं मिलेगी हमको, स्ट्रीट लाइट्स से चलना पड़ेगा, बट ठीक है कार की लाइट्स भी अच्छी है। सब पहुंचते हैं गाइस शिकागो में, और अगर रास्ते में कुछ अच्छे व्यू मिलते हैं, अगर अच्छा रूट मिलता है आपको दिखाने लायक तो मैं दिखाऊँगा। ऑल राइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं शिकागो और बस अभी एयरपोर्ट ही जा रहे थे कार रिटर्न करने। 10-15 मिनट और लगेंगे। डाउनटाउन दिख रहा होगा आपको राइट में, ब्यूटीफुल। ऑल राइट गाइस, सो धमाल शुरू इसकी। हम आ चुके हैं शिकागो में और बस एविस आए थे गाड़ी रखने। सो ये थी हमारी ट्रेल ब्लेज़र, अच्छी गाड़ी थी। और टाइम हो रहा है अभी 10 बजे। सो सही टाइम पे पहुंच गए, सुबह निकले थे 10 बजे करेक्ट। हमको 12 घंटे लगे। वैसे वर्जीनिया पे 11 बजे होंगे अभी, क्योंकि 1 घंटा आगे। तो वर्जीनिया के टाइम के हिसाब से हमको 13 घंटे लगे और शिकागो के हिसाब से हमको 12 घंटे लगे। सुबह से ऊबर बुलाएंगे और फिर घर पहुँचेंगे। सो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका आज का व्लॉग पसंद आया हो। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। बाय बाय।